पाबंदी एसएमएस की हटा ही दी है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, ये पाबंदी हटाना, इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, लेकिन आम जनता कश्मीर की श्रीनगर की सड़कों पर क्या सोच रही है उनसे जानते हैं। गुलाम अहमद मेरे साथ हैं। गुलाम अहमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला का ये फैसला, आप क्या कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, आपकी क्या राय इस पर? सर ये बहुत अच्छा हो गया कि इस पर एसएमएस पर पाबंदी उठाई गई। बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर पाबंदी उठानी चाहिए, जैसे कि अभी वो मतलब ये पलेटगन इस्तेमाल, उस पर और वो मिर्ची गैस, उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मतलब उस पर पाबंदी उठना चाहिए। अब मुझे लगता है, मेरे समझ में शायद अब इसको समझ आया कि जनता मुझसे मतलब क्या चाहती है, मतलब इसको वोट नहीं मिला, इसको ये तो अब इसको पता चला कि क्या हो गया, मैंने क्या किया। अगर ये एकदम ये इससे पहले उठाते शायद ये भी जीत जाते हैं, क्योंकि इसने मतलब ऐसा रोल नहीं किया जैसा होना चाहिए पब्लिक के साथ, जो होना चाहिए मतलब जो करना चाहिए इसको, ऐसा इसने कुछ उस तरह की ऐसी गवर्नमेंट इसने नहीं चलाई। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, उस तरह की ऐसी सरकार नहीं चलाई। कश्मीर की जनता क्या चाहती थी, और उमर अब्दुल्ला को कहते हैं होश हार के बाद ही आया, हार के बाद भी जीत ही हो सकती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए अभी और तरह की कई कठिनाइयां हैं। और जहां कल एसएमएस पर लगी पाबंदी हटाए जाने के बाद तरह तरह की सामने बयान आ रहे हैं, उनमें ये भी बयान है कि उमर अब्दुल्ला अगर पहले किया होता तो ये सब देखना ना पड़ता। आबिद कादर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर। अलगाववादियों ने श्रीनगर में मीरवाइज मौलवी फारूक व हुर्रियत नेता अब्दुल गनी लोन की बरसी के सिलसिले में आज बंद का आह्वान किया है। अलगाववादी नेताओं की ओर से आज ईदगाह चलो के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रशासन ने पुराने शहर के सभी इलाकों में नाकेबंदी करके